इस प्राथमिक गणित की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों की जोड़ियां बनाकर उन्हें सवाल बनाने और उनके हल ढूंढने हेतु एक दूसरे से बात करने के लिए प्रोत्साहन देती हैं। बना हुआ है, जैसे कल हम मेले से संबंधित एक कहानी बनाए थे, वैसे आज तुम लोग कहानी बनाओगे और हमको सुनाओगे कि जो तुम लोग क्वेश्चन बनाओगे या कहानी बनाओगे, जो तुम लोग को समझ में आता है वो अपनी मर्जी से बनाओ। बस ये हो कि तुम लोग के अपने रियल लाइफ से बनाओ। बाजार जाते हो, मेले में जाते हो, घर के आसपास कुछ ऐसा होता है, जो भी पेयर बनता है दोनों बच्चे आपस में बात करेंगे और तो अपनी कहानी को एक दूसरे को सुना लेना कि हम ये वाला सोचे थे और इसमें देख लो हम लोग मिला के कुछ और अच्छी कहानी बन जाएगी क्या। दोनों कहानी अपने मन से मिला लेना। विद्यार्थियों को जोड़ियों में खुद कहानी बनाने देना उन्हें अपने गणितीय कौशल के लिए आत्मविश्वास महसूस करने में और एक दूसरे से सीखने में मदद करता है। कितना रुपए लेके गए थे? 50 रुपए, उसमें से 30 रुपए बचे। दूसरे के पास 1,000 रुपए थे। वह वहाँ से मोबाइल की दुकान पर गए। 1,120 हुआ। और यहाँ को पहले 1 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर 0 लिखे, 120, फिर यहाँ पर जोड़ेंगे साथ, फिर इससे अत्ते आम तोड़ी। हाँ देखो, चीकू 120 आम तोड़ी। हाँ, और मीकू 130। दोनों अपने पैर के साथ आओ, एक साथ दोनों क्लास में एंटर करो। अगले पाठ में शिक्षिका विद्यार्थियों को मेहमानों के लिए एक दावत और उसके बजट की योजना बनाने का काम देती हैं। इस काम को करने के लिए जोड़ियों में बात करना महत्वपूर्ण है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों की समझ कैसे विकसित हो रही है यह जानने के लिए जोड़ियों की चर्चा सुन सकते हैं। 5 किलो रवा 500 रुपए का। यस मैम। मैम तेल ले, बहुत महंगा है भैया। मैम 5 किलो तेल, 5 किलो तेल मैम 100 रुपए का। रिफाइंड? यस मैम। लेकिन रवा तो सोचो 500 रुपए का नहीं आएगा, 5 किलो रवा। मैम साढ़े, मैम उसको मैम 200 रुपए का आएगा, 220 का। 220 का आ जाएगा। चलो 220 तो थोड़ा समझ में आता है। 10 समोसे, 10 हुई है बड़े। यहाँ पर समो पे लिखो, 10 यहाँ पर लिखो। अरे मम्मी जी, अब कहाँ लिखता हूँ वापस 60 रुपए। जब विद्यार्थियों की समान क्षमता वाली जोड़ियां बनाई जाती हैं, तो वे अक्सर बिना गलत होने की चिंता किए काम के बारे में बात करने में ज्यादा सहज महसूस करते हैं। आमतौर पर शांत रहने वाले या शर्माने वाले विद्यार्थी भाग लेने का आनंद लेते हैं। आप अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को अर्थपूर्ण बात करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? पढ़ना मैम अच्छा लगा, मैम बनाए थे, मैम ये सब अच्छा लगा, मैम जोड़ा अच्छा, मैम हमको बनाने में अच्छा लगा, पढ़ाती मैम अच्छा है।